ये देखिए, ये मेट्रो स्टेशन के नीचे यहाँ पे किसी ने आग लगा दिया है। ये धुआं धुआं बिल्कुल हो रहा है, तो इससे हमारे पोल्यूशन में बहुत बुरा असर पड़ रहा है और सेहत के लिए वैसे भी ये बहुत ही ख़तरनाक है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे मेट्रो स्टेशन के जस्ट नाले वाले रोड के पास ये कूड़े का अंबार भी है। मैं ओखला के नागरिकों से ये अनुरोध भी करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ स्वच्छ और सफाई, यहाँ पे ये नाले वाले रोड जो वहाँ तक गए हुए हैं, आप उनको अच्छी तरह से सफाई साफ साफ रखें। और मैं यहाँ पे कुछ आदमियों से यहाँ पे मैं बात करता हूँ, जो कि मतलब ये कूड़ा जो जल रहा है उससे क्या नुकसान है। भाई यहाँ साहब यहाँ पे आए हुए हैं, इस कूड़े में जो आग लगाया है किसी ने भी, वो अच्छा है कि नहीं है? आप इससे क्या बीमारियां हो सकती हैं, आप बताओ, पोल्यूशन के बारे में भी बताओ। ये कूड़े में जो आग लगा है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, प्लास्टिक के सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है, इसमें ज्यादातर प्लास्टिक है, इससे पोल्यूशन जनरेट होगा, उससे ज्यादातर बीमारियां होंगी। और आमतौर से शाहीन बाग में ज्यादा ये कूड़े की वजह से या डस्ट की वजह से सबसे ज्यादा सांस लेने में और गले की बीमारी और सर्दी, आंखों से पानी गिरना सबसे ज्यादा है इन्हीं की वजह से। आप ये नागरिकों को जो ओखला के हमारे जो शाहीन बाग में नागरिक हैं, उनसे आप क्या दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ पे सफाई, गंदगी में लोग पसंद करना चाहेंगे कि या सफाई करना चाहेंगे? देखिए, इस्लाम में है तहुरु शत्रुल ईमान, तो जो भी ये कर रहा है वो ईमान का एक जूस अपना खराब कर रहा है। तो कूड़े कूड़ा जो भी आता है कूड़ा लेने के लिए, आप अपने घर पे उसको रखे, 100 रुपया दे देना पड़ता है एक महीने में, वो आपका कूड़ा सही जगह पे लाके फेंकेगा। लेकिन 100 रुपये बचाने के चक्कर में लोग दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहा, अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहा। अब एक और भाई साहब से मैं पूछता हूँ, एक मिनट भाई साहब, ये जो आग लगा है, पॉल्यूशन यहाँ पे हो रहा है, आप इसके बारे में 2 शब्द अपना कुछ बोले आप। नहीं तो यहाँ पे अब जो इतना सारा कचरा है उसको हटाने के लिए वो जलाना तो पड़ेगा ना। आप MCD को आप मतलब आप ये कह रहे हैं कि MCD आप हटवाएं? नहीं, यहाँ से MCD वहाँ पे ले जाए जहाँ पे गार्बेज डंप होता है, तो वहाँ पे जाके वो उसको चलाए। इससे तो बहुत बीमारियाँ हो रही होंगी। हाँ, बीमारियाँ ऑब्वियसली बात होंगी होंगी। आप ओखला के नागरिकों को कुछ संदेश दीजिए। नहीं, यहाँ से जैसे MCD को ये करना चाहिए कि यहाँ से उठवा के जहाँ पे इसका प्रॉपर डंप बना है वहाँ पे ले जाए, फिर उसको वहाँ पे जलवाए। ठीक है, शुक्रिया जी। इससे पूरे सब फेंक के जा रहे हैं, इसमें बीमारी है, गंदगी है, देख के बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा देख के। हाँ हाँ, देख के बुरा लग रहा है, देख के अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, बोलो बोलो बोलो। ये तो बीमारी का भी एक अड्डा है, बीमारी है, और देख के भी गंदगी लग रहा है, बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा देख के। हाँ, लग रहा है इसे, मतलब वो यहाँ पे बिल्कुल जानवर जो है वो भी यहाँ पे आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जानवर। भाई साहब एक मिनट आपसे लूंगा। आप जैसे यहाँ पे एक और भाई साहब से पूछता, भाई साहब यहाँ पे जो कूड़ा जल रहा है ये अच्छा लग रहा है? आप इसके बारे में अपना कुछ कहना चाहते हैं? ये सब रास्ते के आसपास होना नहीं चाहिए, कहीं बाहर दूसरी साइड ऑफ साइड पे होना चाहिए। ये सब में बहुत गंदगी फैलाता है। यहाँ के नागरिकों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि वो भी सफाई यहाँ पे रखें? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप मैं यहाँ पे एक और भाई साहब से मैं बात करता हूँ, चचा से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम चचा। ये जो कूड़ा जो जल रहा है, तो ये उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? गलत। हाँ हाँ हाँ, गलत है, गलत है ना? हाँ। आप यहाँ के नागरिकों को कुछ आप संदेश देना चाहते हैं? संदेश हम यहाँ रहते नहीं, हम क्या